नमस्कार, दक्षिण टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से बात करें कश्मीर में लगातार जो किलिंग्स हो रही हैं और अब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आज भी वो दौर याद नहीं, 90s का, 90 का बात करें, शतक की बात करें, तो एक दहशत का ऐसा माहौल था कि उन कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, आज भी वो जब याद करते हैं उनकी रूह कांप उठती है। और कहीं ना कहीं उनको प्लान करना पड़ा, जम्मू में अलग अलग एरियों में दर बदर भटकना पड़ा। और आज भी जब इस तरह की किलिंग्स होती है, वो उनका दर्द फिर से उभर कर सामने ले आती हैं। इन्हीं सब विषयों पर हमारे साथ बात करने जुड़ चुके हैं राकेश हंडू, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के, जो कि पहले नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, अब एक्टिव जो कि कहेंगे हम वर्किंग प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूटी के। इनसे जानेंगे क्या प्रक्रिया रखना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार पहले अजय भारती, राकेश पंडिता, उसके बाद कल की बात करें जो जिस तरह से केमिस्ट थे, जो उनकी किस तरह से निर्मम हत्या की, यानी लगातार कश्मीरी पंडितों को अब निशाना बनाया जा रहा, किस तरह का माहौल या आखिर क्या सोच रख कर इस तरह से निशाना बनाया जाए। एक तरफ भारत सरकार या सरकार भाजपा सरकार बात कर रही है कि कश्मीरी जो विस्थापित है उनको वापस मान सम्मान के साथ कश्मीर में वापस बसाया जाए, उनके लिए कॉलोनियाँ बनाया जाए, और दूसरी तरफ इस तरह का माहौल, तो खुद सोचिए कहाँ क्या उनकी सोच है और किस तरह की सोच को लेकर वो वहाँ जा पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये। राकेश सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे राकेश हंडू सर, जिस तरह से लगातार जो कि किलिंग्स हो रही हैं, इनोसेंट मासूम लोगों को निशाना, पहले तो सियासी लोगों को था, अब लगातार कुछ देर से देख रहे हैं, कुछ ही दिनों में कश्मीरी माइग्रेंट्स को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। एज ए पोलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते आप सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने अपना जम्मू में आकर बिजनेस सेटअप किया, क्या वो दिन 90s का आज भी याद आता है जब ये किलिंग्स होती हैं? मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा मैडम। जब 90s में माइग्रेशन हुई थी, मैं पहला कश्मीरी पंडित था जिसने अपना घर बार छोड़ दिया था, और मैं गीता भवन में जब लोग बेचारे परेशान वहाँ से आ रहे थे जिनके ठिकाने नहीं थे, तो हमारा एक सेंटर बना था जिसको हम बोलते थे गीता भवन। जो भी वहाँ से निकलता था उसको एक ही आस थी, मैं जम्मू में कहाँ रहूँगा, गीता भवन। बिल्कुल। वहाँ पे मैंने काम किया, अपने समाज की सेवा की जी। उसके बाद नगरोटा, मिश्रीवाला, पुरखू, रेलवे स्टेशन, कई जगह पे कैंपों में, सरकारी बिल्डिंगों में लोगों को बसाया। तो उसके बाद लोग धीरे धीरे करके कुछ जम्मू कश्मीर में रहे, कुछ स्कैटर हो गए। तो हमारे साथ में एक ब्लेसिंग डिस्गाइज ये था कि हम लोग मेहनती थे, ईमानदार थे, नेशनलिस्ट थे, इस वजह से फिर हमने भी त्याग किया। पूर्वजों की ज़मीनें, पूर्वजों की प्रॉपर्टी हमने कभी सोचा नहीं था, तो वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। मैं कश्मीरी पंडित नहीं कहूँगा, कश्मीरी हिंदू कहूँगा अपने आप को, क्योंकि हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब हिंदू की बात करते हैं तो हम लोग पहले हिंदू ही आपस में बटा हुआ। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ तो मैं कश्मीरी पंडित, आप जम्मू से बिलोंग करते हो तो आपने आपको बोलोगे डोगरे हो गए। तो ये जो अल्फाज है यही हमें देश को बांट रहा है, और यही वजह है कि आज एक तबका कश्मीरी हिंदू पिछले 32 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है, और इसी आशा में है कि एक ना दिन हम अपने मातृभूमि को वापस लौटेंगे, जिसको हम कश्यप भूमि कहते हैं। तो मैडम, बहुत परेशान होने के बाद मैं यहाँ से J&K से बाहर चला गया था दाल रोटी के चक्कर में। तो 2008 में हमारे एक कॉलिडा कश्मीरी समाज है, उनका एक कलकत्ता में कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पे भी ये डिस्कशन हुआ था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, NC हो, खैर तब PDP नहीं थी, PDP बाद में मुफ्ती सईद कांग्रेस में थे तब, और वो होम मिनिस्टर थे जब हमारा पलायन हुआ था वहाँ पे VP सिंह की सरकार में। तो हमने एक आइडिया फ्लोट किया कि हमारा कोई पॉलिटिकल वॉइस नहीं है क्योंकि हम लोग स्कैटर्ड हैं। दूसरी बात ये कि हम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और तीसरा पॉइंट ये था कि जब तक हम अपनी आवाज़ खुद बुलंद नहीं करेंगे हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमने एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की थी बाय द नेम ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें यहाँ के ब्यूरोक्रेट थे, मिस्टर दीवानी, वो आज इस दुनिया में नहीं है, RK मट्टू जी थे, और PL राजदान जी थे, MK काव जी थे, शुभम दूदा जी थे, तो काफ़ी जो हमारे रेस्पेक्टेड एल्डर्स हैं, एक्सपीरियंस थे, वो लोग एजुकेटेड थे। तो उन्होंने एक आइडिया फ्लोर किया कि हम लोग अपनी पार्टी क्यों ना बनाएं। तो 2008 में 6 से ये प्रक्रिया शुरू हुई, 2008 में पार्टी रजिस्टर हुई, और हमने फिर उस टाइम भी, मैंने जैसे आज मैं वापस जम्मू कश्मीर आया हूँ तब भी मैंने सेक्रीफाइस किया था अपने J&K की स्टेट को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपने पैसे अपने समाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैंने एज ए वॉलंटियर उस टाइम पर भी जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पर हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें मैंने आपको भी बताया रहना वाली,
बिल्कुल, क्योंकि मैं, मेरी बर्थ प्लेस है वहाँ, तो वहाँ से मैंने फ़ाइट किया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के, और ये मालूम था कि जब जिन लोगों ने हमें वहाँ से निकाला है वो वोट नहीं डालेंगे, बट ये था कि एक दिल में तमन्ना थी कि जिस मातृभूमि में हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो हम उसका जो अपना राइट है वो नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद 17 कैंडिडेट हमने खड़े किए थे, और उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ मतलब ब्रेड एंड बटर की वजह से हम लोग फिर स्कैटर हो गए। तो अभी पीछे क्या हुआ, जब ये मोदी जी ने इनको फिर वापस से वही मुफ्ती, वही बुखारी, वही सजाद लोन, वही फारूक अब्दुल्ला, वही उमर अब्दुल्ला, वही पॉलिटिशियंस को बुलाया और हमारी पार्टी को इग्नोर किया, तो हमने फिर उस टाइम पे भी आवाज़ उठाई और उस टाइम पे हम वापस से एक्टिव हो गए। तो हो सकता है एक हमारे को एक प्लेटफॉर्म जो हमारा मतलब नॉन एक्टिविस्ट था 2008 से इलेक्शन के बाद में, तो हमारे अंदर कंपनी में जो रोष था कि यार हमारे यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन मोदी जी ने नहीं बुलाई, ये वही मोदी जी हैं जो 2014 के मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि कश्मीरी पर्दों को सैटेलाइट टाउन्स में बसाऊंगा, जिन्होंने सवाई माधोपुर जाके बयान दिया था कि ये टिकलाल टिकलू की ज़मीन है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। तो हैरत की बात है, दुख है, आँखों में आंसू है, उस कश्मीर में क्या हो रहा है। हम बोलते हैं 90 में टिकलाल टिकलू को मारा, सतीश टिक्कू को मारा, हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पर्दों को, निहत्तों को मारा गया, क्या हालात बदले हैं 32 साल में। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी 7 साल से 8 साल की तरफ जा रहे हैं, क्या बदला है, क्या दावे कर रहे हैं अमित शाह जी, क्या दावे कर रहे हैं मोदी जी, सुकून है कश्मीर में, हालात सामान्य है, कहाँ है सामान्य। ये देख लीजिए राकेश पंडिता, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था कांग्रेस, इसमें कांग्रेस में था इसलिए मारा गया। अजय भारती, ये बीजेपी का काउंसलर था इसलिए मारा गया। मुझे ये बता दीजिए बंटू शर्मा को क्यों मारा भाई, अजय दर को क्यों मारा जी, वो तो बेचारा पुलिस में था, वो तो सर्व करने गया था वहाँ के लोगों को। उसके बाद में एम के बिंद्रू को मारा गया, आज सुबह सुबह समाचार आ गया है कि 2 हिंदुओं को और मारा गया जी वहाँ पे। तो क्या हो क्या रहा है, ये कहाँ है मेरे अमित शाह जी, कहाँ है मेरे मोदी जी। मैं आज भी ओपनली बोल रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है जी, यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है। मैं कश्मीर पिछले ही महीने गया था, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग भी त्रस्त नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, वो आवाज़ नहीं निकाल पा रहे। रीज़न क्या है कि उनके सर पे बंदूक है। मैं यहाँ आपके सामने खुला इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे सर पे अभी बंदूक नहीं है। तो वहाँ के लोग भी परेशान हैं कि बोलते हैं कि यार हो क्या रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से जो दावे सिर्फ खोखले सिर्फ बातें हैं। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगा मैडम, 370 हटाने के बाद में बड़े बड़े दावे किए गए, अब हुआ क्या, 370 तो हट गया, ये हमको अब डोमोसाइल लाइनों में खड़ा कर दिया जी। आज मेरी 5000 साल की कश्मीर से हिस्ट्री है, मेरे पूर्वज कश्मीर पर्दों की भूमि है, मातृभूमि है, कश्मीरी पंडित ऑरिजिनली 5000 साल की हिस्ट्री है, और आज हम कतारों में खड़े हैं जी। हमें डोमोसाइल सर्टिफिकेट चाहिए जी, स्टेट सब्जेक्ट को आप साइड में रखो जी। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये खिलवाड़ क्यों हो रही है कश्मीरी पंडितों के साथ में। मोदी जी के आने बाद में एक कश्मीरी पंडित समाज में एक वो कहते हैं एक एक्सपेक्टेशन आई थी, एक कॉन्फिडेंस आया था, बदलाव की सोच की शायद कुछ होगा, लेकिन आज जो परिस्थिति वहाँ की वैसी है, क्या बदला मतलब मुझे बताइए। हम कांग्रेस को रो रो के गालियाँ दे रहे हैं, आज अगर कई लोग इस वीडियो के बाद में नाराज़ हो जाएंगे मेरे साथ, आज जो हम पीएम पैकेज की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ के नेता हूँ जो हमारे कश्मीरी पंडित नेता है, उनको चैलेंज करके बोलता हूँ, आज आप भी इसको पीएम पैकेज बोलते हो, ये मनमोहन सिंह का दिया हुआ पीएम पैकेज है, जिसके दावे अमित शाह जी पार्लियामेंट में ठोक रहे हैं कि हमने पश्चिमी पंडितों को 13,000 रुपये दिए हैं, हमने उनको इंजीनियरिंग सीटें दिए हैं, हमने उनको पीएम पैकेज के अंदर कश्मीर भेजा है। मैं चैलेंज करता हूं यहां के बीजेपी नेताओं को, मैं चैलेंज करता हूं यहां के नेताओं को, मैं ओपनली बोलता हूं, आज हम कांग्रेस को दो दो के गालियां दे रहे हैं, जो कुछ इस देश में हुआ वो कांग्रेस ने किया है। आज हमारे पास मोबाइल फोन है कांग्रेस ने दिया, आज हमारी सड़कें हैं कांग्रेस ने दिया। बीजेपी मेरे को बताए 7 साल में क्या किया, मैं भी एक प्राइवेट सेक्टर में था, मेरी 3 बार जो 2 साल में नौकरी चली गई, मेरे को तनख्वाह ही नहीं मिली पूरी, मेरे को भी मजबूर होकर आज वापस जेड़ के आना पड़ गया। आज पेट्रोल के दाम आप देखो कहां से कहां पहुंच गए, आप सिलेंडर के दाम पूछो, क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप राहुल गांधी को गालियां दे दो, समझ आती है पप्पू बोलो उसको, हम मोदी जी को क्या बोले, हम अमित शाह को क्या बोले। मैं आज अपने समाज से भी ये सवाल पूछता हूं, और जो ये बीजेपी के दफ्तर में त्रिकुटा नगर में लाइन में खड़े रहते हैं, इंक्लूडिंग रविंदर रैना, अशोक कोल, सुरेंद्र अंबरदार, अजय भारती, इनसे पूछो 3.5 साल में आपने क्या किया। आपको अगर वहाँ पे भट्टों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए एक रिप्रेजेंटेशन दी गई बीजेपी में, आप मुझे चैलेंज करता हूँ, आपने पैसा जो लिया है भट्टों के नाम पे, वो पैसा कहाँ है जी? वो फंड कहाँ गए? क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है?
इनसे पूछे अगर आप लोगों को एज ए कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेशन दिया, आपको बैकडोर से एमएलसी बनाया गया, आपने क्या समाज के लिए किया है? आप खाली जगति में जाके फोटो खींचने जाते हो। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम दो दो के मोदी जी को गाली देते हैं। सबसे बड़ी बदलाव चाहिए जी बीजेपी जम्मू कश्मीर में। ये आज भी जाते हैं मास के अशोक पुल को बांटनी है तो जम्मू में कश्मीर में बांटता है। ये पड़े रहते हैं वहाँ पे समर वेकेशन में, गवर्नमेंट बिल्डिंगों में रह रहे हैं। ये आज बीजेपी की सरकार नहीं, आज यूटी है यहाँ पे। कैसे सुरेंद्र अमरदार वहाँ पे एंजॉय कर रहा है गवर्नमेंट अकोमोडेशन? कैसे अजय भारती वहाँ पे, कौन दे रहा है इनको अकोमोडेशन? आप कांग्रेस को बोलो, आप बोलो प्रियंका गांधी को बाहर निकाल दो क्योंकि वो एमपी नहीं है, तब वो पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे उतर जाती है। आज इनसे पूछो कि सुरेंद्र अमरदार को कैसे अकोमोडेशन वहाँ पे, किसकी अकोमोडेशन में रह रहा है वो, क्यों, कौन सी सिक्योरिटी एंजॉय कर रहा है वो जी। वो इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है। अजय भारती वहाँ पे जाके एंजॉय कर रहा है। आज ये बीजेपी के माथे पे ये सबसे बड़ा कलंक है। अश्विनी त्रंगू जी बयान देता है जो 32 साल से अलग झंडा लेके पन कश्मीर लेके बैठ गया था जम्मू कश्मीर में, आज मैं उससे सवाल करता हूँ। वो बैंक से रिटायर हो गए और कश्मीरी पंडितों की पॉलिटिक्स पे, कश्मीरी पंडितों की छाती पे पॉलिटिक्स चला रहे हैं यहाँ पे। वोट बैंक के लिए कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडित का वोट कहाँ है जी? मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब 2008 में मैं इलेक्शन लड़ने गया, हजरतबल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी आप तरहबा कदम, जहाँ पंडितों की कुछ, मैं मेजोरिटी नहीं कह सकता हूँ, कुछ अच्छी आबादी थी वहाँ पे, सरदारों की पॉपुलेशन थी वहाँ पे। इन्होंने टुकड़े कर दिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के, हमारे वोटर लिस्टों में नाम खत्म कर दिए। हमको अगर मुझे अगली बार दोबारा इलेक्शन लड़ना है 2021 में 2022 में, मुझे अपना वोटर ढूंढना है पहले, मुझे एम फॉर्म भरवाने हैं, उसके बाद मुझे घर घर ढूंढना मेरा वोटर कहाँ है, उसके बाद एम फॉर्म भरने के बाद में गजेटेड ऑफिसर से मेरे को अटेस्ट कराना है, उसके बाद रिलीफ कमिश्नरी में देना है, तब उनके नाम होंगे, उसकी मेरे को गारंटी नहीं है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है 2008 में। हमारे साथ तो हर तरह की बदतमीजी, 90s की बात करेंगे तब का दुख दर्द आम जनता भी जानती, हर कश्मीरी हिंदू के दिल में आज भी वो दर्द है। जब याद करते हैं पैरों तले जमीन निकल जाती है, पर जिस तरह की अब माहौल है, जिस तरह की किलिंग्स हो रही हैं, क्या वो दर्द फिर से उभरा कर सामने आपकी आंखों के आगे नजर आता है? होता है, रोज रोते हैं हम 32 साल से रो रहे हैं, रोज हमारे जवान मारे जा रहे हैं वहाँ पे किसी के मुंह से। कल मैं वीडियो देख रहा था, मैं तो खैर इस फंक्शन में बिजी था, आज यही फारूक अब्दुल्ला वहाँ बिंदरू के घर पे आंसू बहा रहे, यही फारूक अब्दुल्ला था जो जिसने उस टाइम पे लंदन से स्टेटमेंट दिया था गॉब खेलते खेलते कि कश्मीरी पंडितों को जगमोहन ने निकाला, तेरी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी उस टाइम पे, तू क्या कर रहा है, तेरे पीछे तो जेड कैटेगरी। आप मेरे को लालचौक में चल के दिखाओ बाप बेटे बिना बंदूक के, मैं सल्यूट करूंगा आपको, चरणों में दो के पानी पीऊंगा। आप वहां पे जाके पॉलिटिक्स करते हो वहां के लोगों के ऊपर, उनकी छाती के ऊपर। महबूबा मुफ्ती बयान देती है मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, उसको बोलो बिना सिक्योरिटी के लाल चौक में जाके खड़ी हो जाए, मैं उसको सल्यूट मारूंगा। आज वहाँ के लोग बेचारे बोल नहीं पा रहे, उनके 24 घंटे सर पे बंदूक है, और देश के हमारे जो नेता बैठे हुए हैं वो तमाशा भी नहीं, और इन्हीं के आगे कटोरे लेके जाते हैं हर बार। जम्मू के नेता कहाँ हैं? मैं जम्मू वालों से पूछना चाहता हूँ, अभी जितने सेंट्रल मिनिस्टर आए हैं आप बताएं कौन जगती में गया, किसी ने यहाँ सुधली कश्मीरी पंडितों की जम्मू में? फ्लाइटें पकड़ते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहाँ से कबाब और गुश्ता और इस्ताब खाने जाते हैं, और वहाँ से बयान देते जी यहाँ पे हालात ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा दी। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी स्टेटमेंट दे रहे थे जी इंडस्ट्रीज, मेरे को दिखाओ, मैं भी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से मिल के इंडस्ट्रीज के ऑफिस में होके आया हूँ 4 बार, मुझे बताओ कौन सी अदानी अंबानी कौन आया यहाँ? आपने बोला 370 के बाद में यहाँ पे प्रॉपर्टी कुत्ते भौंक रहे हैं वहाँ पे, मैं डल लेक पे रुका हुआ था पिछले महीने। मैडम 370 एक रोड़ा है, जब ये रोड़ा हट जाएगा तो डेवलपमेंट होगी। मैडम मैं थोड़ा ओपनली बोलता हूँ और आपके माध्यम से ये बोल रहा हूँ, 370 के बाद में झंडा का डंडा बदल गया, जिसको हम बोलते हैं झंडा, वो है बीजेपी का। जगह जगह आप लोग वहाँ पे डेकोरेशन कर करके, जगह जगह आप बीजेपी को और हिंदुस्तान के फ्लैग लगा के, कौन सा कमाल कर दिया आपने? क्या पाकिस्तान में था कश्मीर है 1947 से? क्या पाकिस्तान के पीओ के ले लिया क्या आपने? आप फोटो खिंचवा रहे हो, सेल्फियां बना रहे हो वहां से, डल लेक को हमने सजा दिया, वहां पे काले कुत्ते भूंग रहे हैं। आप बुलवाड़ रोड पे जाओ, आपको 10 लोग नहीं दिखेंगे। इसी कश्मीर में बुलवाड़ रोड पे मैं टूर पे जाता था, वहां पे जगह नहीं होती थी होटलों में, वहां के लिए कोई बोले, किसी की हिम्मत हो बोले, वो बेचारे नहीं बोल पाते। आज हाउस बोट वाले मर रहे, आज ऑटो वाले मर रहे, आज टैक्सी वाले मर रहे, तो बुद्धू के नहीं उठाएंगे क्या करेंगे वो? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। मैं आज आपके माध्यम से ये बोल रहा हूँ, आज जो ये बंदूकें वहाँ पे चल रही हैं, इसका पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है एक्सप्लॉयटेशन, बेरोजगारी। पहले इनको यूज़ किया जाता था पत्थरबाजी में, अब इनको यूज़ किया जाए बंदूकदारी में। अदरवाइज मुझे बताइए बिंदरू को क्यों मारा, एक टीचर को आज सुबह क्यों मारा गया है,
ये दहशत फैला रहे हैं वहाँ पे, एक अलग इंडस्ट्री चल रही है वहाँ पे। आपने वो गाना सुना होगा, रटे रटे आज़ादी, मैं ही BSF, मैं ही CRP, मैं ही BJP। ये बोलते हैं जी ये अजय पंडिता और ये राकेश पंडिता और अजय भारती, ये तो पॉलिटिक्स से थे। बिंद्रू तो 32 साल से वहाँ रह रहा है, वो तो बेचारा निकला ही नहीं वहाँ से। जो टीचर, जिन दो टीचरों को मारा, उनका क्या गलती है? क्योंकि वो एक धर्म से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ के लोगों को भी मारा जा रहा है, वहाँ भी कत्ले, वहाँ भी खून बह रहा है। हमारे, हम छाती ठोकते हैं, पंडित मारा गया, वहाँ के लोग भी मर रहे हैं। मेरी कई लोगों से बातचीत होती है, मैं अभी पिछले महीने श्रीनगर में एक हफ्ता था, वहाँ पे मैं लोगों से मिलता हूँ। वो बेचारे कमरे में आके बोलते हैं, कमरे से बाहर नहीं बोल पाते वो। मैं वहाँ पे बरबरशाह एक जगह है मैडम जो डाउनटाउन में पड़ता है, मैं जब होटल में रुका, मैंने एक अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने बोला यार मैं यहाँ पर रुका हूँ, आपको, आप यकीन करोगे? वो मेरे को आके बोलता है कि यार हंडू जी आप यहाँ क्यों रुके हो? मैंने क्यों बोलता, 3 दिन पहले यहाँ पे ग्रेनेड का हमला हुआ है। मतलब वहाँ का लोकल आदमी इतना सहमा हुआ है, मुझे बोल रहा है जी आप डाउनटाउन में क्यों रुके हो, यहाँ खतरा है। तो आप खुद उनकी हालत समझ सकते हो। जिम्मेदारी किसकी बनती है सारी हालातों का, जिम्मेदार कौन? स्टेट गवर्नमेंट। कुछ नहीं बदला जी 370 के बाद में। कश्मीरी पंडित लाइनों में खड़े हैं बेचारे, जैसे गीता भवन में खड़े थे। गीता भवन में मेरे को याद है उस टाइम क्या होता था, इतनी क्राउड होती थी, पीछे शिव मंदिर के पीछे वो खिड़की खुलती थी और कतारों तक वहाँ पे आपके सिटी चौक तक कश्मीरी पंडित बेचारे खड़े होते थे। और आज भी वही हालत है। अभी पिछले 2 महीने पहले यहाँ से रिलीफ कमिश्नर आया था दिल्ली, वहाँ पे आप देखो लोगों की हालत। हमारे 70-70 साल 60-60 साल के बुजुर्ग इतनी ह्यूमिडिटी में बेचारे 4-4 घंटे लाइनों में कतारों में लगे हुए। ये दिया क्या हमको 370 ने? आज हम कश्मीरी पंडित बांगड़े कर रहे हैं, 370 क्या किया? मैं अपने कश्मीरी समाज से पूछता हूँ कि क्या बदला कश्मीर में, आप बताइए। आप तो बाहर रहे हो, ये भाई साहब बाहर रहे हैं, ये भाई साहब बाहर रहे हैं, हम तो पैदा वहाँ पे हुए, ठीक है। 370 में आपने किया क्या? राम मंदिर रोटी दे देगा क्या मुझे? हमारे मंदिर वहाँ पे पड़े हुए सड़ रहे हैं, आज भी कोई बता रहा था मुझे मंदिर जला दिया। बिल्कुल, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। 2 दिन पहले वहाँ पे मटन में मंदिर पे हमला हुआ है। क्या राम, वहाँ भगवान राम नहीं है? उसके लिए क्यों नहीं बोलते मोदी जी? उसके लिए क्यों नहीं बोलता अमित शाह? क्यों राम मंदिर उनको वोट देगा? कश्मीरी पंडितों का मंदिर है, कश्मीरी पंडितों का अलग मंदिर है, देश के हिंदुओं का मंदिर अलग है। क्या क्या कहें सर हम आपके, आपने आज आईना दिखाया भारत सरकार को, आज आपने आईना दिखाया यूटी सरकार को और उन नेताओं को जिन्होंने हमेशा कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडित ने किया, जैसा सर ने कहा कश्मीरी हिंदुओं को हमेशा अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। जहां 90s के टाइम पे कश्मीरी पंडित लाइन में था, आज भी उसी उम्मीद के साथ आज भी वो लाइन में है। और जिस तरह से लगातार किलिंग्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है राकेश हंडू जी ने। राकेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, इन सारे हालातों को देखकर क्या फिर से आप राजनीति में आना चाहेंगे सर? मैडम, राजनीति मेरा मतलब मैं तो कहता हूँ बिजनेस नहीं है लोगों की तरह, जैसे ये दुकानें चला रहे हैं, कुछ हमारे कश्मीरी पंडित भी चला रहे हैं। मैं कहता हूँ 90 के बाद एक समाज के लिए, अपने समाज के लिए, समाज के लिए। मेरे को 32 साल हो गए मैडम, मैं जो राजस्थान में भी रहा हूँ, वहाँ भी मैंने समाज की सेवा की। वहाँ हमारा एक कश्मीरी विस्थापित हिंदू समिति है, उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। अध्यक्ष तो एक नाम होता है। और जहाँ जहाँ देश में मैं रहा हूँ पिछले 32 साल से, तो मैंने अपनी तरफ से जो समाज के लिए कर सकता हूँ, चाहे वो गीता भवन 90 में हो। एक चीज़ शायद मैं आपको बोलना भूल गया यार, 90s में जब पलायन वहाँ पे हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी काम किया, एंटी मिलिटेंसी में, जब वहाँ पे जगमोहन जी थे, और काफ़ी काम किया। और ये देश का दुर्भाग्य है कि उस टाइम VP सिंह और मुफ्ती सईद ने जब मौलवी फारूक को मारा था और रातों रात उनको वहाँ पे वहाँ से वापस बुला लिया था दिल्ली, और हम लोग भी फिर वापस आ गए थे। अदरवाइज अगर वहाँ जगमोहन को ये 2-3 साल रहने देते, मैं उनको आज श्रद्धांजलि देता हूँ, तो आज कश्मीर में जो जड़ें पेड़ बन चुकी हैं, जो बीज बोया गया था उस टाइम पे, तो ये पेड़ नहीं होता। क्योंकि मैं खुद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रहा हूँ, मैं उस टाइम पे भी अपना घर बार छोड़ के 1 साल कश्मीर में रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। उस टाइम जुनून था, एज थी, खून गर्म था, घर से उजड़ गए थे हम लोग, मेरे साथ एक पूरी टीम थी। तो आज भी वही जुनून है 55 साल की उम्र में भी, कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, अपनी स्टेट के लिए कुछ कर पाऊँ। तो हो सकता है एक मकसद वो भी हो मेरा यहाँ आने का, यहाँ अपने आप को, क्योंकि हमारी दुकानें इनकी तरफ नहीं चलती हैं, तो इसलिए हमने आज अपना पहले ब्रेड एंड बटर फैमिली के लिए यहाँ पे एक छोटा मोटा अपना जो है अपने देखा है, ये शुरू किया है। हाँ, पॉलिटिकल जाना पड़ेगा तो जाएंगे। मैंने आज से 3 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था, मैं आपसे शेयर भी करूँगा, वो यहाँ के लीडिंग अखबारों ने छापा। जम्मू कश्मीर का एक इलाज यही है कि यहाँ पे 3rd फ्रंट है, जब तक ये खानदानी राज ख़त्म नहीं होगा। मोदी जी खुद एक तरफ से बोलते हैं कांग्रेस को खानदानी राज, यहाँ कौन सा है खानदानी राज नहीं चल रहा, वही अब्दुल्ला,
वही उमर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के बाद बेटा आ जाएगा, वही मुफ्ती सईद जो एक तरफ कोर क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर आपके कांग्रेस का वो जे एंड के का प्रभारी होता था, वही महबूबा मुफ्ती। क्या खानदानी राज नहीं चला और उन्हीं को आप बुला रहे हो वापस से। सजाद लोन ने अपनी ज़िंदगी बिठा दी, मेरा क्लास फेलो रह चुका है, डेविड जवाहरलाल मेरे साथ पढ़ता था, ये तब भी पाकिस्तानी इनके दिल में था, आज भी। अमानुल्लाह खान की बेटी उसकी बीबी है, हाँ, उसने अब सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो मोदी जी की गोद में बैठ गया, वो देशभक्त हो गया जी। वो बुखारी ये भी कल तक पीडीपी में था, इसने तीसरी दुकान खोल ली जी। सर जाते जाते क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर की जनता को, खास करके आपने कश्मीरी जो हिंदू हैं उनके लिए क्या कहेंगे? इस समय कहीं ना कहीं डर का माहौल है और इस समय परेशानी के आलम में है, वो लोग क्या कहेंगे? मैडम मैं यही चीज़ बताता हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने ये MHA में प्रोपेगेंडा लगाई है जो कश्मीरी पंडित आज वेल सेटल्ड है। आप मेरी बात, मैं खुद ही एग्जांपल देता हूँ, मेरे को भी 32 साल हो गए जी, मैं इस मातृभूमि से हूँ तो मैं इस मातृभूमि में वापस आया हूँ। कौन अपना घर छोड़ना चाहता है आज, चाहे लंदन में कोई रह रहा, कोई कनाडा में, कोई अमेरिका में, हर बंदे के दिल में कश्मीर बसता है, वो कश्मीर वापस आना चाहता है। लेकिन सेंटर की जो पॉलिसी है वो किसी को समझ नहीं आती है, और ख़ासकर मेरे को। तो धन्यवाद सर। दोस्तों ये थे हमारे साथ राकेश हांडू जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी, बल्कि अपने कि जितने भी कश्मीरी हिंदू हैं उनके साथ जो हुआ उन सब के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया, और साथ साफ तौर पर ये कहा कि जिन लोगों ने हमेशा कश्मीरी पंडितों को या कश्मीरी हिंदुओं को हमेशा राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, पर उनकी सुध किसी ने नहीं ली। जिस तरह से प्लान हुआ था कि मोदी सरकार के आते ही एक नई दिशा दिखी थी, एक नई राह दिखी थी, कि शायद एक नई किरण उम्मीद की दिखी थी कि शायद अब मोदी सरकार ही कुछ कश्मीरी हिंदू को जो माइग्रेट हैं उनका सोचेगी, पर कहीं ना कहीं जहाँ आज 90s में जो लाइनों में लगाकर कश्मीरी पंडित खड़े होते थे, आज भी उसी कगार पर, और किस तरह से किलिंग्स की जा रही हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर पर यही कहेंगे कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा लूप खोल रहा होगा, कमज़ोरी है कहीं ना कहीं जो आज भी हावी हो रही है, और कहीं ना कहीं कश्मीर में जो लगातार किलिंग्स का सिलसिला जारी है, दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे की क्या वजह है आम जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं। फिलहाल ये कहेंगे कि इस पर अंकुश लगाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जो वायदे किए हैं वायदे तो पूरे करने होंगे, और साथ ही साथ ये कहेंगे कि यही जनता है, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे डोगरी हो, यही जनता इन्हीं के वोटों से, इन्हीं के मतों से सरकारें बनती भी हैं और गिरती भी हैं। तो आने वाले समय में अगर गलत होगा तो आम जनता उसका भुगतान भी उनको करना ज़रूर पड़ेगा, और आम जनता जवाब भी भली भांति देगी। फिलहाल अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिस तरह से राकेश हांडू जी ने पूरी तरह से आईना दिखाया है भारत सरकार को, उन पॉलिटिकल सियासी पार्टियों को, उन नेताओं को जो सिर्फ लोगों को, आम जनता को वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।